मैं इस समय मेन छन्नी नेशनल हाईवे पे मौजूद हूँ और कुछ समय पहले यहाँ पर ये जो आप आर्मी का ट्रक देख रहे हैं इसका एक्सीडेंट जो है इस गाड़ी के साथ हुआ है। आर्मी के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पहले आपको गाड़ी के विजुअल्स यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो है आर्मी के ट्रक द्वारा ये गाड़ी जो है ये हिट की गई है। जम्मू का नंबर है इसका। यहाँ पर फैमिली जो है वो मौजूद है, आर्मी वाले जो है मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदीप सिंह है। मुझे बताएं कि क्या हुआ। एक्चुअली मैम हम आ रहे थे घर से, हम पार्टी फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे तो इधर रेड लाइट हुई थी, हमें ट्रैफिक पुलिसमैन ने किया की सिग्नल दिया कि हाँ आप रुक जाओ अभी दूसरी गाड़ी निकलेंगी, तो हम इधर रुके हैं। बट ये गाड़ी पीछे से आ रही थी, इन्होंने ब्रेक नहीं लगाई और गाड़ी हिट कर दी हमारी। अच्छा। तो इनको हमने पूछा कि आपने हिट क्यों करी, कह रहे रेड लाइट आपके लिए, हमारे लिए रेड लाइट नहीं है क्योंकि हमारी उल्टा उल्टा क्यों बोल रहे हो आप? आप बता दीजिए आपने क्या बोला। आप कटमार के बीच में आ गए, अचानक से ब्रेक मार दिया तो लग गया। कैमरे लगे हुए हैं, हाँ वो देख लेना, देख सकते हो। तब रेड लाइट थी, रेड लाइट थी तब। अच्छा। हमने ब्रेक लगाई है, हमारी दोनों गाड़ियां थी, हमने दोनों गाड़ियों की ब्रेक लगाई है, इनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, इन्होंने गाड़ी हिट कर दी सर। कितनी स्पीड होगी उस दौरान इनकी गाड़ी की? स्पीड नियर अबाउट 50-60 होगी। केस करवाएंगे, केस करवाएंगे, जो भी आए पुलिस आई है वो देखेगी। इतने लोग बैठे हुए थे जी, गाड़ी में चार लोग बैठे थे, परिवार के लोग? हाँ परिवार के, हाँ मैं थी, मेरी बच्ची थी, बेटा था, हस्बैंड थे मेरे। फंक्शन में जा रहे हैं, सारी गाड़ी जा रही है। वहाँ से सिग्नल, कुछ भी यहाँ से ग्रीन सिग्नल हुआ, गाड़ी इधर आ रही है, वो फौजी भाई अपने कोई सिग्नल नहीं देख रहे। ट्रैफिक पुलिस जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे, वो साइड पे खड़े है। मुझे बताएं जिस समय एक्सीडेंट हुआ ट्रैफिक पुलिस वाले उस दौरान यहाँ मौजूद थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके सामने हुआ सारा कुछ। अच्छा। उनके सामने हुआ, उन्होंने भी यही बोला कि पुलिस आर्मी वालों की गलती है। अच्छा। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ बोल रहे हैं, उनके सामने हुआ सारा। रेड सिग्नल आया ना, इन्होंने गाड़ी आगे रहे होते, इन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, पीछे से गाड़ी बची, आर्मी वाले की गाड़ी पीछे बलती। अच्छा। जी किसी को इंजरी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं इंजरी कोई नहीं हुई है। सामने दिख रहा है कि हिट कौन कर रहा है इसको। अच्छा। गाड़ी को अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम जो कहते हैं कि हमारा नुकसान जो हुआ पुलिस हो जाए, वो करवा दे, ठीक करवा दे हमारी गाड़ी, और कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने उनसे उनका नाम वगैरह पूछने की कोशिश की, वो नाम भी नहीं बता रहे, अपना कुछ नहीं बता रहे। अच्छा। हाँ जी, तो हम तो यही चाहते हैं कि गाड़ी की रिपेयर वगैरह करवा दें, और कुछ हम क्या चाहते हैं, कर दे हमारा नुकसान जो हुआ वो उसको ठीक करवा दे, हमारा दे दे। तो आप देख सकते हैं कि मेन छन्नी नेशनल हाईवे पर जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। जिस तरीके से गाड़ी के अंदर जो लोग थे उनका कहना था कि ये ट्रक जो है वो अपनी स्पीड पर आ रहा था, तेज इसकी रफ्तार थी और आगे रेड सिग्नल था, और ये जो है ट्रक जो है वो नहीं रुका है। आर्मी के जो लोग हैं ये भी यहाँ मौजूद हैं। मुझे बताएं कि क्या हुआ है, क्या आपसे स्पीड? मैं कुछ नहीं, अभी आ रहे हैं, हमारी कार्रवाई जा रही थी। अच्छा। हमारी कार्रवाई जा रही थी, ये बीच में आ गए। अच्छा। इनको आगे दिखा नहीं, दौरान रेड सिग्नल नहीं था, हमारी गाड़ी निकल रही थी, लाइन से निकल रही थी, अचानक से आगे आके रोक दिया। हमने भी स्लो में ही थे, 30-40 का स्पीड, 30 का था, तो ब्रेक मारा इन्होंने अचानक से, हमने भी मारा, हल्का सा टच हो गया, वही बस, और कुछ नहीं। ये कट मार के आए हमारे आगे, देख लीजिए कोने पे लगा है। फैमिली चाहती है कि भरपाई होनी चाहिए गाड़ी की, देखते हैं अभी आते हैं सर। हमारी गलती तो है नहीं इसमें, हमारी गलती, इनका कॉर्नर देखिए, कॉर्नर। ट्रैफिक पुलिस और फैमिली दोनों यही क्लेम कर रहे हैं कि गलती जो है आर्मी का। आप लोग बात का पसंद मत बताएंगे। तो आपने सुन लिया कि आर्मी के जो व्यक्ति हैं उनका यही कहना है कि हमारा नॉर्मल एक तरह से हमारी कॉन्वॉय जो है वो चल रही थी, अचानक से गाड़ी जो है वो सामने आ गई। दूसरी तरफ ये जो गाड़ी के अंदर लोग थे इनका ये कहना है कि लाल सिग्नल था, सारी गाड़ियां रुकी थी, लेकिन ये ट्रक जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और गाड़ी की जो हालत है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से, और ऊपर से ट्रक मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूरा मुड़ता हुआ ट्रक जो है यहाँ नजर आया, लग रहा है कि जी कि आर्मी को ये वो है कि बोला गया है कि चाहे रेड हो ग्रीन हो कोई हो आपने रुकना नहीं है। अच्छा। चाहे नीचे कोई आ जाए, ये आर्मी वालों का ये स्टेटमेंट की रूल हमारे लिए नहीं है, रेड लाइट हमारे लिए नहीं है, हमारी कार्रवाई चाहिए, रूल सब सिविलियन के लिए, आर्मी के लिए कोई रूल नहीं है। गाड़ी हमारी जा रही है, कार्रवाई जा रही है, हम जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे, आप बीच में आए हो, बस उनका ये कहना है। बदतमीजी भी की गई आप लोगों को? हमने बोला उनको बदतमीजी, उन्होंने कुछ ऐसी नहीं की, हमने जस्ट उनको बोला कि अपना नाम वगैरह तो बताइए, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। जो हमारा नुकसान हुआ उसको पूरा, मतलब उसका नुकसान भर देंगे, ठीक करवा दे गाड़ी, तो बस बात खत्म हो जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही नेशनल हाईवे है जहां पर ये ट्रैफिक पुलिस के आप ये जो कर्मी देख रहे हैं पूरे दिन जो है,
मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइवेट सिक्योरिटी के जो पर्सोनल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा दिन जब हम यहाँ से निकलते हैं तो देखने को ये मिलता है कि ट्रैफिक पुलिस वालों के पास एक ये फोन होता है और फोटो खींचने में व्यस्त होते हैं। देखो ना, एक गाड़ी का टर्न ही कर दिया इतनी जोर से, मारा गाड़ी को टर्न कर दिया इसने, गाड़ी पलटी जा रही थी ऐसे कर दी पूरी, पलटी थी गाड़ी, गाड़ी खड़ी थी, ये पीछे से आई, इनके ब्रेक नहीं लगी, ये ट्रक सामने की तरफ जा रहा था, इतनी जोर से हिट की कि गाड़ी को टर्न कर दिया। और भी कोई गाड़ी जो है टक्कर हुई है? और भी किसी तेरी गाड़ी चला कौन रहा था? पीछे से हिट किया है, पीछे से हिट की हुई है और गाड़ी घूम गई है, देखिए आप इस तरफ को जा रहे हैं? हाँ जी, फंक्शन अरोमा में है हमारा। तो आपने सुन लिया कि फैमिली ये क्लेम कर रही है कि जो हमारा नुकसान हुआ है वो उसको भर दिया जाए। इस समय जो है प्राइवेट सिक्योरिटी के पर्सोनल यहाँ मौजूद है, जेकेपी पुलिस की जो है गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। उम्मीद फैमिली वाले यही कर रहे हैं कि हम अपनी नॉर्मल स्पीड पे जा रहे थे, रेड सिग्नल था, हम सिग्नल को भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन आर्मी के जो पर्सोनल है उनका ये कहना है, फैमिली जो कह रही है उनका ये कहना है कि हमारे लिए कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं है, हमारी कॉन्वॉय चल रही थी, ऐसा फैमिली का कहना है। उम्मीद यही रहेगी कि जो ये फैमिली क्लेम कर रही है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर ये जो इनका नुकसान हुआ है इसको भर दिया जाए। इस गाड़ी में लगभग कितने लोग थे? छह लोग, बच्चे भी थे? चार, दो बच्चे, चार लोग थे। अभी तक जान का नुकसान कोई नहीं हुआ है, शुक्र है इस चीज का। उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो मामला है इसको निपटाया जाए। ये छन्नी हिम्मत का चौक है, कैमरे पर आने का मकसद सिर्फ ये कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी 24 घंटे मौजूद रहते हैं। और एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ इस चौक में ये है कि लाल बत्ती होने के बाद भी इस तरफ गाड़ियां जा रही होती हैं और पूरा दिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर जो भी गाड़ी मुड़ रही होती है उसके फोटो खींचने में लगे रहते हैं। और उसके बाद आप देखिए, इस समय आप देख सकते हैं कितना कंजेशन होने लगा है यहाँ पर चारों तरफ, क्योंकि आर्मी की गाड़ी जो है वो टकराई है इस गाड़ी के साथ। और जैसे परिवार के लोगों ने कहा कि जिस समय कॉन्वॉय जा रही थी हमने गाड़ी रोकी, आगे रेड लाइट थी, रेड लाइट होते ही जो ही हमने गाड़ी रोकी तो पीछे इनकी गाड़ी रुकी नहीं, तो उसके कारण हमारी गाड़ी का डैमेज हुआ है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी अगर यहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद ये तमाशा इतने लंबे वक्त से यहाँ पर हो रहा है, आखिरकार क्यों? कानूनी तौर पर जो कार्रवाई करनी बनती है वो ना तो पुलिस करती नजर आ रही है, ना ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। वो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी केवल एक आदमी यहाँ पर है और वो ट्रैफिक मैनेज कर रहा है। ये रोज का मामूल, ये रोज का तमाशा आपको जम्मू की सड़कों पर केवल इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक मैनेजमेंट करने की बजाय सुबह से लेकर शाम तक फोटो खींचने में व्यस्त रहते हैं।